थोड़ा आटा गूंद लें, एक दो स्किल्स हैं जो कि हमें आती हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो जल्दी चलते जिम, हम थोड़ा लेट हैं। डैन शु बाहर खड़ा है, उसको लेते हैं और सीधा जिम चलते हैं। और बाकी ठंड तो खूब कट रही है। व्लॉग करने के लिए भी हाथों को बाहर निकालना पड़ता है, ग्लव्स ठंड ठंडे एकदम। जो पैक देखो एकदम पैक है, फैशन पहला पैक वो सर्दी के बाद। आज चेस्ट लगा ले, बिल्कुल कल एक लगा लिया था, छह साइज है। बैग लगाएगा क्या? बैग ही लगा रहा हूँ। चलो हम तो मार रहे हैं चेस्ट, छह एक्सरसाइज है चेस्ट की, जल्दी से निपटाते हैं। अपनी टाइमिंग इतनी बढ़िया है जिम की, मतलब जिस टाइम आओ उस टाइम पूरा जिम खाली, आराम से वर्कआउट करो और अपने कुछ नहीं होगा ज्यादा। अगर ऐसे अगर असुर आ गए, इधर चलेगा ब्रह्मास्त्र, इधर चलेगा हाइड्रोजन बम। वहां से वो छोड़ेंगे ब्रह्मास्त्र सू, यहाँ चलेंगी मिसाइल चलेंगी 15-20। आप दाग दूं एक आध को। अरे यार, धूप निकलने की उम्मीद होती है, यहाँ ऐसा साला कोहरा ही नहीं हटता। आज तो पूरा अपना चेस्ट पर एक्सरसाइज करी, टोटल 7 एक्सरसाइज हो गई आज चेस्ट की। अब सिंगल बॉडी पार्टी हमेशा करा कराएंगे, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है अच्छे से, और उस पर इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है। चलो लो भाई, आज तो पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला, बस अभी 2:15 बज चुके हैं। जल्दी चलते हैं नहा के और फिर दोबारा थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि अब जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि फरवरी में पेपर है, तो चार चार दिन में मैंने 5 सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए, कि एक चार दिन में एक सब्जेक्ट निपटा जाऊंगा 14 यूनिट्स। तो जल्दी जल्दी करना है जो भी करना है। मिठाई तो खाली, यार ये आखिरी डिब्बा भी अब खत्म हो गया, भैया की शादी का आखिरी डिब्बा भी मिठाई वाला खत्म। अब ये जलेगा, अब इसकी आहुति फूकेगी और इससे हम हाथ तापेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अब मिठाई की तो क्रेविंग उठती है, कुछ भी कर लो। लोडो में यहाँ के मतलब यूपी वाले में ऐसा मतलब मिठाई तो थोड़ी बहुत मतलब यार चाहिए रहती है खाना खाने के बाद, क्योंकि तो उससे कोई होता वो भी नहीं है, क्योंकि उससे कैलरी ट्रैक कर लेते हैं ज़्यादातर और डेफिसिट में चल ही रहे हैं, तो उससे कोई फायदा फर्क भी नहीं पड़ता, तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत। रात तो नहाने के बाद मैंने तो भैया थोड़ी चेंज करी ली, क्योंकि लड़कों की एक टेंडेंसी होती है, जब तक किसी कपड़े को हम पहन के एकदम निचोड़ नहीं देते, उसको गंदा कर नहीं लेते, अंदर से हम लोग को खुद नहीं आता कि अब वो गंदा हो चुका है, तब तक उसे पहने रहेंगे। तो आज मुझे वो रियलाइज हो गया कि हरी वाली हुडी थोड़ी गंदी हो गई थी, वो बहुत दिनों से मैं पहन चुका था, तो उसको मैंने हटा दिया। देखो कि लोग सोच रहे होंगे कि तो नहाता ही नहीं है, लेकिन मैं नहाता था, हुडी चेंज नहीं करता था। तो आज मैंने हुडी हटा दी और दूसरी काली हुडी निकाल दी। थोड़ा आटा गूंद लें, एक दो स्किल्स हैं जो कि हमें आती हैं। ऐसे आटा गूंदना इसलिए ताकि ये पिल्ले हमारे घूमते रहते हैं भूखे, उनके लिए खाना हो जाए थोड़ा बहुत। आटा गूंदने की मेन स्किल सबसे अच्छी ये है कि इसका पिरामिड बना के इसमें बीच में पानी डालो। हमारा फाइनल प्रोडक्ट पूरा बन गया, आटा एकदम रेडी 8 लोई कुत्तों के लिए। मैंने आटा उसना और लोई बना दी, चाचा ने बेल के सेक भी दिया। ये अरे नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये भी नहीं है। ये रखा उनका खाना, बिल्कुल पैक कर देता हूँ, गरम गरम रहे ताकि जब हमारे पिल्ले खाएं ये वाले तो उनको भी मजा आए खाने में। चलो ये तो बात रही, अब जल्दी से पहले रेडी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 3:30 और हम लेट हो चुके हैं। भाई समोसा देने का काम दिया गया है, घर आते ही भूख लगती है। क्या है क्या? भाई बिल्कुल पीक सीजन आ गया एग्जाम का, पढ़ाई भी बिल्कुल खत्म हो ही नहीं रही, सब चल रहा है लगातार, तो बस बैठी हुई है। चलो इसी तरह से आज का दिन हुआ खत्म, फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ कल आपसे फिर से, शुभ रात्रि, टाटा बाबा, टेक केयर।